Hello friends, as we are discussing our video series for class 10th level, so in this video we are going to discuss basically what are chromosomes and what are its types. So chromosome, we can basically say that chromosome, these are the hereditary vehicles, because they will hereditary vehicles. So chromosomes, they are basically made up of DNA, and suppose this is a chromosome, okay, and this is a centromere part, and here are the bead like appearance which is present on the chromosome, and these are known as genes. Okay, so you can say this is the hereditary vehicle on which genes are placed, and this chromosome is made up of DNA segment. Okay, so you can say that chromosomes, these are the hereditary vehicles in single line. So now we are going to discuss its types. So agar hum log chromosome ko dekhe, to hum log ne chromosome ko on the basis of location, chromosome ko chromosome kis tarike ke cells mein paaye jaate hain, jaise ki hamare paas ek vegetative cell hai aur dusra hamare paas ek reproductive cell hai, jaisa ki hum logon ne mitosis aur meiosis apne last session mein dekha tha. जो हमारा लास्ट वीडियो सेशन था माइटोसिस और मियोसिस पर ही था. तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो माइटोसिस है, अगर हम लोग माइटोसिस की बात करें, तो जो माइटोसिस है, तो जैसे कि माइटोसिस हमारी वेजिटेटिव सेल्स में होती है, तो उसी सेम वे में हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी क्रोमोजोम्स, आप सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी में जो हमारी बॉडी है वो डिप्लॉयड है, और उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम 46 है, और अगर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 23 पेयर्स है. तो जो वेजिटेटिव सेल है उसमें जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे उनको हम लोगों ने नाम दिया है ऑटोसोम्स. दे आर द क्रोमोसोम्स विच आर फाउंड इन वेजिटेटिव सेल्स और सोमैटिक सेल्स, एंड ऑल द क्रोमोसोम्स विच आर फाउंड इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, दे आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम, एंड वन अनदर नेम यू कैन से दे आर ऑल्सो नोन एज एलोसोम्स. सो समटाइम क्वेश्चन विल कम, लाइक कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स. सो यू कैन इजिली राइट फ्रॉम हियर, ऑटोसोम दे आर प्रेजेंट इन वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स, एंड एलोसोम्स दीज आर प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव सेल्स. तो ये तो हमारे हो गए ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ क्रोमोजोम. अगर हम लोग दूसरी बात करें तो जो क्रोमोजोम्स हैं उनको हम लोगों ने दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया, जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं. तो हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, जैसा कि हमने आपको बताया, ये जो सेंटर पार्ट है जहां पे इसके आर्म्स लोकेटेड है उसको हम लोगों ने नाम दिया है सेंट्रोमियर. ओके, तो सेंट्रोमियर के बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारे पास चार तरीके के क्रोमोजोम है. जैसे कि हम लोग यहाँ पे बनाते हैं क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम की एक आर्म है, दिस इज अनरेप्लीकेटेड क्रोमोजोम. जब ये क्रोमोजोम, कोई भी सिंपल क्रोमोजोम अगर रेप्लीकेशन में जाएगा तो ये इसके पास इस तरीके से, ये इसका बीच का सेंट्रोमियर होगा और ये दोनों इनकी सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड दिस इज द सेंट्रोमियर पार्ट. ओके, सो अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम के ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम जैसे सपोज ये सेंटर पॉइंट है और ऊपर का एक आर्म बहुत छोटा सा है और दूसरा आर्म बहुत बड़ा है, एक ये टाइप हो गया. दूसरा, दोनों ही आर्म एकदम इक्वल लेंथ के हैं अगर, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं मेटा सेंट्रिक. और एक आर्म अगर बहुत बड़ा है और दूसरा आर्म बहुत छोटा है तो हम लोग बोलेंगे सब मेटा सेंट्रिक. एक आर्म थोड़ा सा बड़ा है और दूसरा वाला काफी बड़ा है, उससे अगर हम कंपेयर करें, थोड़ा सा ये डायग्राम मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेना चाहिए. ये जो क्रोमोसोम है इसको हम लोग ऐसे ना करके फिर से दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो अगर हम लोग क्रोमोसोम की बात करें तो इस तरीके का एक क्रोमोसोम, ये तो सपोज ये दोनों मेटा सेंट्रिक कह सकते हैं इसको, मेटासेंट्रिक में दोनों आर्म्स लगभग बराबर हैं, और एक आर्म अगर क्रोमोसोम की बहुत छोटी है और दूसरी आर्म बहुत बड़ी है तो हम लोग इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक.
ये मेटासेंट्रिक हो गया, एक्रोसेंट्रिक, और सब मेटासेंट्रिक में एक आर्म थोड़ी छोटी होगी दूसरे के कंपैरिजन, तो हम इसको कह सकते हैं सब मेटासेंट्रिक। और ये जो हम लोग ने पहला वाला बनाया था इसको हम लोग टीलोसेंट्रिक कह सकते हैं। तो इस आपको कोई डाउट ना हो इसके लिए, मैं जो हमारे पास अननेसेसरी के जो कुछ क्रोमोसोम्स बने हुए हैं उसको हम लोग हटा देते हैं। तो हमारे पास चार तरीके के क्रोमोसोम्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो पहला, जैसा कि हमने आपको बताया, अगर इन क्रोमोसोम की एक ही आर्म है तो हम लोग उसको टीलोसेंट्रिक बोलेंगे, और दूसरी आर्म एकदम गायब है, और हम लोग एक इसके लिए दूसरा कलर ले लेते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि ये इसका सेंट्रोमियर पार्ट है, सेंट्रोमियर। ओके, और सब मेटासेंट्रिक में दोनों आर्म एकदम इक्वल लेंथ की है। एक आर्म यहाँ पे आपको दिख रही है कि थोड़ी सी बड़ी है एज कम्पेयर टू दिस, और एक आर्म यहाँ पे बहुत ही छोटी है, बिल्कुल लिटिल बिट, और ये काफी बड़ी है। तो इस बेसिस पे हम लोग इसको चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं मेटासेंट्रिक, ओके, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक। तो ये तो हम लोगों ने कुछ क्रोमोसोम के टाइप्स पढ़े, क्रोमोसोम को पढ़ा बेसिकली होता क्या है, क्रोमोसोम को डिफरेंट टू टाइप्स में डिवाइड किया गया वो हम लोगों ने पढ़ा, किसके किसके बेसिस पे। एक तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ, जो भी हम लोगों ने क्लासिफाई किया वो हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पे लोकेशन किया, ओके, और दूसरा हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर किया। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा फ्रेंड्स, वो बेसिकली हम लोग न्यूक्लियोसोम वाले पार्ट को कवर करेंगे कि क्या न्यूक्लियोसोम क्या होता है। आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जैसा कि क्रोमैटिन फाइबर क्या होते हैं, क्रोमैटिन और क्रोमैटिड्स में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया ना, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है ये रेप्लिकेटेड है अगर, तो इसकी ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गई। यहाँ पे ये जो क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन मटेरियल्स हैं। न्यूक्लियोसोम की असेंबली कैसे होती है, न्यूक्लियोसोम में लिंकर डीएनए क्या होता है, स्टोन कोर क्या होता है, स्टोन में कितने तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है, इसको हमारे पास एक सेपरेट वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली व्हाट आर न्यूक्लियोसोम्स, व्हाट आर क्रोमैटिन मटेरियल्स, व्हाट आर हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन कोर एंड ऑल द लिंकर डीएनए। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बेसिकली हम लोग क्लास 10th लेवल का वीडियो बना रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। जो एग्जाम लेवल है, क्लास 10th ICSE हो चाहे CBSE हो, इसी लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर आपको डिटेल में लेक्चर्स चाहिए होंगे तो उसके लिए मैं अपने हायर वर्जन्स में कुछ वीडियोस अपलोड करूंगी। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है, आई होप वी विल मीट सून। और हाँ, एक बात और कि अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप हमारे, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में अपने बताती हूँ, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं अपनी क्वेरीज, और वहीं पे मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको और भी इन चैप्टर्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, मुझसे 1-to-1 डिस्कशन करना है, तो आप मुझे मेरी ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑल दो ये सारे वीडियोज तो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अपनी क्वेरीज के रिगार्डिंग, ऑनलाइन सेशंस के लिए, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।